एक बीघा में था। एक बीघा में जी कौन सी मिर्ची है ये? ये फायर बम है। फायर बम जी। उपज कैसी रही, मतलब उपज? हाँ उपज बहुत बढ़िया रहा। हाँ अच्छा रहा। अच्छा उपज भी अच्छा रहा, रेट भी अच्छा रहा। क्या रेट गया है केजी में? केजी में 120 रुपये किलो से लेकर अच्छा 50 टका किलो तक बिक्री हुआ। 50 टका किलो तक, जी लोएस्ट। लोएस्ट। अच्छा ये बताइए कि कितने महीने में ये मिर्ची तैयार हो जाती है? लमसम 3 महीना में बिक्री चालू हो जाता है। 3 महीने में बिक्री चालू हो चालू जाता हो है। जाता है। अच्छा और उसके लंबा समय कम से 5 महीने तक लगाने से लिए गाछ खत्म होने तक 5 महीने का तकरीबन समय लगता है। अच्छा धीरे धीरे उसको 15 दिन 20 दिन बाद उपज होते रहता है। कितने एकड़ में लगाए हैं आप? 1 बीघा में लगाए हैं एक पहला, जिसमें लगाए थे टारगेट में। जो भी रहा खेती अच्छा रहा, फलन अच्छा हुआ, रेट भी अच्छा। अच्छा हुआ। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये भी थोड़ा सा बताएं। ये जिस टाइम से लगाए उस टाइम से 2.5 महीना से 2.5-3 महीना में फल बेचना स्टार्टिंग हो जाता है। अच्छा और मतलब धान, अगर मुख्य धारा की खेती देखा जाए, जैसे धान मक्का गेहूं है, उसकी तुलना में जैसे आप वैकल्पिक खेती मिर्ची या अन्य जो खेती है, कितना मुनाफा है उसकी तुलना में? धान का मक्का का और दूसरे खेती का तुलना में मर्चिन का खेती बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। इसमें जोन पार्ट भी कम लगा, आपको कोस्टली खर्चा कम हुआ, कम कोस्टली में ज्यादा मुनाफा हुआ। अच्छा मुनाफा इसलिए हुआ कि इसमें रेट ज्यादा हो गया। अब ऊंचा जमीन में अगर मक्का की खेती नहीं करके अगर मर्चा की खेती किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। अच्छा हाँ, धान का तुलना में मक्का का तुलना में बहुत आगे है, 3 गुना 4 गुना आगे। कितना एक बीघा में कितना कमा लिया है इस बार? देखिए 63,000 रुपये का हम बेच चुके हैं अभी तक। उसमें खर्चा लमसम रखे ना 12-13 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। 12-13 हज़ार खर्च किए, 3 महीना में लगभग 63,000 63,000 का निकाल लिए। अभी एक और चांसेस है निकालने? चांस का है, अभी लॉ में है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो ज्यादा नहीं होगा, 5-10 हज़ार का हो सकता है। अगर मेहनत किया जाए सही तरीके से तो 1 लाख रुपया एक बीघा निकल सकता है। निकाल सकता है, निकल सकता है। वो रेट का भी मामला है, उपज तो हो जाएगा। कभी अगर मार्केट में ऊंचा रेट हो गया तो आपको 1 लाख तक बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। किसान अगर चाहे 1-2 बीघा लगा सकता है, लंबा खेती अगर नहीं खींचे, 10 कट्ठा भी लगाएगा छोटा किसान, उसके लिए प्रॉफिट का, किसान के लिए प्रॉफिट का खेती है, कर सकता है। करने के लिए मुनाफा कम टाइम में, कम पैसा में ज्यादा प्रॉफिट हो, कम पैसा में ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा इसमें जोन पार्ट कम लगता है, आपको दवाई स्प्रे कर देते हैं, मर जाता है जंगल। अच्छा छोटा बच्चा लेकर के जो है किलो के हिसाब से उठा लेते हैं, बड़ा जोन का भी काम ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा धान गेहूँ कोई भी किसान करता है वो भी करे, साइड में इसको लेके करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हर जमीन में तो मर्चे की खेती नहीं होगा, माने नीचा जमीन में धान है, गेहूँ है, पटवा है, जो भी कौन करे। सी मिट्टी इसके लिए? इसके लिए 2 मठ चाहिए। अच्छा और पानी पकड़ने वाला जमीन नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूब जाने से मशीन बर्बाद हो जाएगा, पानी लग जाने से मशीन मर जाएगा। इसी कारण से थोड़ा सा ऊंचा जमीन में है उसका लगाना सही अच्छा रहेगा। अच्छा कहना यही है कि 1 बीघा खेती में अगर ठीक ठाक मेहनत किया जाए तो 1 लाख रुपया निकाला जा सकता है। और जो मुख्य खेती है उसकी तुलना में कहीं ना कहीं ये वैकल्पिक खेती बेहतर होती जा रही है। टेक्निकल खेती किसान को, हर किसान को, छोटा बड़ा जो भी किसान है, ये सब खेती आजमाना चाहिए। ज्यादा लंबा खेती नहीं हो, 1 एकड़ नहीं हो तो आधा बीघा चाहिए, 1 बीघा चाहिए, 1 एकड़। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मक्का भी कीजिए, साइड से इसको भी कीजिए। सिवन से धीरज कुमार की रिपोर्ट। हम आए थे डेरा माड़ी, जो की जगह है हमारे साथ मुजीबुर रहमान जी, जो की मिर्ची के किसान है, मिर्च की इस बार खेती किए हैं।